हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन चंगेजी। चिकन चंगेजी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार चिकन चंगेजी की रेसिपी को मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं चिकन चंगेजी की रेसिपी। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन को अच्छे से साफ करके धो लिया है और अब हम चलते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने कुछ सूखे मसाले लिए हैं, जिसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच नमक लिया है। अब हम सूखे मसालों को चिकन में डाल लेंगे और इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट का यूज़ किया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 कटोरी दही का यूज़ किया है। अब हम चिकन को हाथों से सारे मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारे मसाले चिकन के में अच्छे से मिल जाएं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको थोड़े टाइम के लिए मैरिनेट करके रख सकते हैं, और अगर टाइम नहीं है तो आप इसको तुरंत ही झटपट बना सकते हैं। तो चलिए अब हम बाकी सामान को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 प्याज और 5 छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं। अब हम टमाटर की प्यूरी बना लेंगे और सारी प्याज को अच्छे से चॉप कर लेंगे। इस तरीके से आप सारी प्याज को चॉप कर लें और दूसरी तरफ कढ़ाई गरम होने के लिए रखते हैं। यहाँ पे मेरी कढ़ाई गरम हो चुकी है और अब हम इसमें तेल डाल लेंगे और चॉप की हुई सारी प्याज डाल लेंगे और अब हम इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे और दूसरी तरफ हम एक पैन चढ़ा लेंगे जिस पे हम चिकन को फ्राई करेंगे। हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसके बाद अब हम चिकन को इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। चिकन जब तक फ्राई हो रहा है हम अपनी प्याज देख लेते हैं। ये देखिए हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो रही है और अब हम इसमें थोड़े सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक लिया है। अब हम इनको थोड़ा सा भूनेंगे और भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। यहाँ पे मैंने टमाटर की प्यूरी बना के रख ली थी और अब हम इसको डाल देंगे। आप फ्रेश प्यूरी यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अब हम इसको थोड़े देर के लिए ढक के अच्छे से पका लेंगे। तब तक दूसरी तरफ हम अपने चिकन को देख लेते हैं। ये देखिए एक तरफ से अच्छे से ब्राउन हो गए हैं और अब हम इसको पलट के अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पे हमारे चिकन भी ब्राउन हो गए हैं और अब हम इसको सारे चिकन इसी तरीके से हल्के से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला भी एक तरफ अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें यूज़ करेंगे 1 कटोरी क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मलाई ही यूज़ की है और अब हम इसको चला लेंगे अच्छे से और जो सारे चिकन हमने फ्राई करके रखे थे वो अब हम इसमें डाल लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे चिकन के पीसेस इसी तरीके से डाल लिए हैं अब हम इसको अच्छे से चला के मसालों में इन चिकन के पीसेस को मिक्स कर लेंगे।
इस तरीके से सारे चिकन के पीसेस को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी दूध और दूध को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें ऊपर से थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई डाल देंगे। इस तरीके से काट के मैंने इसमें हरी मिर्च डाल ली है और अब हम एक तरफ कसूरी मेथी को भून लेंगे। आप कसूरी मेथी को ज़रूर भून के डालें। इस तरीके से अब हम क्रश करके कसूरी मेथी डाल लेंगे। कसूरी मेथी से बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब हम इसको ढक के 15 मिनट के लिए पका लेंगे। चलिए हम आपको 15 मिनट के बाद मिलते हैं। ये देखिए हमारी चिकन चंगेजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। प्लीज़ आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। इस तरीके से हम आप चिकन चंगेजी को निकाल लेंगे और प्लीज़ बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी बनेगी। ओके बाय बाय।